अगर आप आटे को अच्छे से छान कर इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको निकाल देंगे। अब आटे को इकट्ठा करके थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी, डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे चौलाई का साग, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे जामुनी कलर का साग, और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें ग्रीन कलर वाला साग। अब इनको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिक्स कर लेंगे और इसका डो बना लेंगे। डो हमारा तैयार है। अब इसको रखेंगे साइड में। अब हम बनाएंगे फिलिंग। फिलिंग बनाने के लिए हमने 250 ग्राम पनीर लिया है ग्रेट करके। अब डालेंगे कुछ बेसिक मसाले जो आप डेली यूज में लेते हैं, इनको डाल करके मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा चौलाई का साग, थोड़ा सा डाल देंगे जामुनी कलर वाला, थोड़ा सा डालेंगे ग्रीन कलर वाला, डाल करके इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चम्मच की बजाय हाथ से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी कलरफुल फिलिंग तैयार है। अब इसको थोड़ा सा ड्राई करने के लिए 1 चम्मच बेसन डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत नमी है वो खत्म हो जाए। अच्छे से मिक्स करके इसको रखेंगे साइड में। अब डो को हल्का सा मसल कर लोई बना लेंगे रोटी के आकार की। एकदम क्लीन बोल बनाकर इसको चपटा कर लेंगे। इस टाइप से लोई हमारी तैयार है। चलिए अभी हम इसको रोटी आकार में पतला सा बेल कर खूब सारी फिलिंग डालकर अच्छे से फैला देंगे। अब इसको चौकोर शेप में फोल्ड कर लेंगे। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, गोलाकार में या चपटा किसी भी शेप में बना सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़े से आटे की डस्ट करके हल्के हाथ से पतला सा बेल लेंगे। अब गर्म तवे पर डाल देंगे। हल्का सा ड्राई होने के बाद इसको पलट देंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी या ऑयल स्प्रे कर सकते हैं। हल्का सा ड्राई होते ही दूसरी साइड में पलट देंगे। अब इस साइड में भी ऑयल स्प्रे कर देंगे। अगर आप लोग मक्खन पसंद करते हैं तो मक्खन में भी फ्राई कर सकते हैं। अब हम इसको 2 से 3 बार उलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। इस प्रकार से बाकी के पराठे भी फ्राई कर लेंगे। तो चलिए अभी हम करेंगे प्लेटिंग, उसके लिए कटिंग कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप बहुत ही टेस्टी चौलाई के पराठे बना सकते हैं। तो कैसी लगी रेसिपी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। एक बार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।